सबसे ईमानदार देश है। स्विस बैंक नाम सुने हो? कोई 500 करोड़ कमाया, उसमें से 250 करोड़ रुपए अगर आप टैक्स ले लेते हैं, आदमी को लहर जाएगा कि नहीं लहर? टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में बहुत हार्ड है, जिसके रीजन भी है। सबसे ईमानदार देश है, स्विस बैंक नाम सुने हो? सबसे ईमानदार देश लग रहा है। स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक होते हैं, सारे बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है। कोई एक बैंक नहीं है स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड के जितने बैंक है वो सब क्या कहलाएंगे? स्विस। देखिए, हर बैंक का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है जो उस देश के सेंट्रलाइज सिस्टम से चलता है। भारत का सेंट्रलाइज सिस्टम को कंट्रोल करती है आरबीआई, आरबीआई कंट्रोल करती है, तो आरबीआई जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। आरबीआई से अगर पुलिस डिपार्टमेंट कोई डेटा मांगेगी तो आरबीआई दे देगी, देखे तो चुराया है कि नहीं चुराया है। इनकम टैक्स मांगेगा तो आरबीआई दे देगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में रूल है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है ये उस व्यक्ति के अलावे किसी को नहीं बता सकती है बैंक। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर बैंक का कर्मचारी लीक करता है इस चीज को, तो बैंक उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए जितना काला धन होता है, काला धन ऐसा नहीं है कि काले रंग का होता है, काला धन मतलब होता है कि बिना टैक्स का पैसा। आप विश्वास कीजिएगा कि जिस दिन आप जाएंगे ना, मतलब एक समय के बाद जितने करोड़पति हैं वो अपने टोटल इनकम का 50% उनका टैक्स जाता है, 28% के 18 के आसपास जीएसटी जाएगा, 30 के आसपास इनकम टैक्स जाएगा, शेष वगैरह मिला उला के 50% ठोक देता है। अब एक बात बता, कोई इंसान 500 करोड़ रुपया कमाया, अब उसका टैक्स कितना लगेगा? 250 ले दे के उसके ऊपर क्या लग जाएगा? 250 करोड़ रुपया। अब इस 250 करोड़ कमाया है कितना? 500 करोड़। टैक्स देगा 250 करोड़। अब उसको अगर बुखार लग गया ना, तो सरकार उसको एक पैरासीटामोल ना देगी, समझ गए कि नहीं? आ गया, उसको जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। तो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल ये बड़े लोग नहीं करते हैं, जबकि टैक्स यही लोग देते हैं यहाँ पर। अब 250, कोई 500 करोड़ कमाया उसमें से 250 करोड़ रुपए अगर आप टैक्स ले लेते हैं, वो आदमी को लहर जाएगा कि नहीं लहरे? बहुत लहरेगा। कोई आपको 10 रुपया में से 5 रुपया ले ले तो कम लहरेगा, और 1 करोड़ में से 50 लाख निकाल ले करकरा के लहरेगा एकदम भयानक। अब बताइए, किसी ने 500 करोड़ रुपया मेहनत से कमाया है, टैक्स मारेगा कितना परसेंट? हाँ, 250 को। और टैक्स लेने के बाद उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलने वाला है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा पता है? कहा कि 250 करोड़ रुपया टैक्स देंगे, स्विस बैंक में हिला देते हैं ब्लैक मनी में, इधर उधर पैसा खिलाएगा, 50 करोड़ इधर उधर दे के सेटिंग वेटिंग करके हिला दिया, 50 करोड़ में उसका काम हो गया, बच गया उसका 200 करोड़ बच गया। और यहाँ पे रहेगा तो फंस जाएगा कि नहीं? यहाँ पे उसको भी पता है, पकड़ाएंगे तो थमा देंगे कुछ, नहीं समझे? अब किसी के ऊपर 100 करोड़ जुर्माना लग रहा है तो इंसान थमा है, 20 करोड़ अपने रखो ना, 10 करोड़ में काम निपटाओ, 20 करोड़ अपने, 10 करोड़ जेब में, 70 करोड़ लेके चल दिया, सब चंगा सी, सब क्या हो गया पैसा? तो वह टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में बहुत हार्ड है, जिसके रीजन भी है। हमारे यहाँ टैक्स देने वालों की संख्या कम है, इसलिए जो देते हैं उन्हीं से हुमच लेता है, समझ गया? बाकी यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब में टैक्स देने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा लेता है। तो मजबूरी हमारे देश की भी है। किसी को कोई दिक्कत?